नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नो बैंकिंग में दोस्तों अगर आप लोग व्हाट्सए अब यूज़ कर रहे हो और अभी तक आपने इसकी प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं किया था तो आप लोग को डेली इसका प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करने के लिए मैसेज डेली आ रहा होगा और इसकी लास्ट डेट है पंद्रह मई दो अगर पंद्रह मई तक आप इसके प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो आपका व्हाट्सअप परमानेंटली डिलीट कर दिया जाएगा व्हाट्सअप की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है व्हाट्सएप की तरफ से हालाँकि तुरंत ही परमानेंटली डिलीट नहीं किया जाएगा इसके डाटा का जो आप जितने भी आपका डाटा

व्हाट्सएप चलता रहेगा पंद्रह मई के बाद भी तो अभी इसके लिए कोई नई डेडलाइन नहीं दी गई है व्हाट्सएप की तरफ से या फिर व्हाट्सएप के ट्विटर अकाउंट पर भी कोई ऐसा बयान अभी तक नहीं आया है जिसमें वो पंद्रह तारीख की डेडलाइन को आगे कब तक एक्सटेंड कर रहा है ऐसा कोई अभी तक आधिकारिक बयान नहीं आया लेकिन पीटीआई न्यूज की तरफ से ये आप देखते हो न्यूज ये पक्की न्यूज है पीटीआई न्यूज काफी ट्रस्टेड न्यूज एजेंसी है इंडिया की तो यहां अभी तो ये खबर तो पक्की हो गई कि पंद्रह तारीख जो पंद्रह मई का जो डेडलाइन था उसको आगे एक्सटेंड ड कर दिया गया यानी कि अगर आप लोग अपना व्हाट्सअप पंद्रह मई तक जो इसकी प्राइवेसी प्रोसी एक्सेप्ट नहीं करते तो भी आप लोग का व्हाट्सअप यूज कर पाओगे और आगे जब भी इसकी न्यू डेट आती है मैं आप लोग को तुरंत ही वीडियो बना के बता दूंगा तब तक आप लोग व्हाट्सअप यूज करिए या फिर अगर आप लोग को लगता है कि आप लोग को सिग्नल यूज करना चाहिए या फिर टेलीग्राम यूज करना चाहिए तीनों में से कौन सा बेटर आप लोगों क्लियर रहेगा बेस्ट है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए घर पर रहिए सुरक्षित रहिए जय हिंद वंदे मातरम